हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। करोड़पति को भी भिखारी बना सकती है ये सात चीजें। इनमें से एक भी घर में हो तो तुरंत हटा दे। नंबर एक, टूटे फूटे बर्तन। कई बार ऐसा होता है कि हम टूटे फूटे बर्तनों को अपने घर में किसी कोने में संभाल कर रख देते हैं और भूल जाते हैं। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन टूटे हुए बर्तनों का हमारे घर पर काफी अशुभ प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, इसे महालक्ष्मी हमसे और हमारे घर से नाराज हो सकती है। इसलिए अगर हो सके तो इन्हें जल्द से जल्द घर से बाहर निकाल दीजिए। नंबर दो, टूटा हुआ कांच। अगर आपके घर में कहीं भी टूटा हुआ कांच पड़ा है तो उसे फौरन बाहर निकाल दीजिए। वो इसलिए क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा अगर आपके घर के आईने का भी कांच टूट गया हो तो उसे भी फौरन ठीक करवा लें। जी हाँ, बता दें कि टूटा हुआ कांच अशुभता का संकेत होता है। नंबर तीन, बंद घड़ियां। वास्तु के अनुसार हमारे घर की घड़ियों की स्थिति पर ही परिवार की उन्नति निर्भर करती है। जी हाँ, जिस घर में घड़ियां बंद पड़ जाए उस घर की उन्नति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे आपके घर परिवार का कोई भी काम समय पर नहीं होता। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी घड़ी बंद पड़ जाए या खराब हो जाए तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा ले, ताकि घड़ी के सही समय के अनुसार आपकी आर्थिक स्थिति भी हमेशा सही रहे। नंबर चार, टूटी हुई तस्वीर। अगर घर में टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी फौरन हटा दे, क्योंकि इससे भी वास्तु दोष पैदा होता है। नंबर पाँच, टूटे हुए दरवाजे। बता दे कि अगर घर का कोई भी दरवाजा कहीं से टूटा हुआ हो या टूट रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करवा ले। टूटे हुए दरवाजों के कारण भी आपके घर में वास्तु दोष पैदा हो सकता है। नंबर छह, फर्नीचर। आपके घर के फर्नीचर पर एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार टूटे हुए फर्नीचर का बुरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। यहाँ तक कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी का प्रवेश भी हो सकता है। नंबर सात, खंडित मूर्तियाँ। खंडित मूर्तियाँ या टूटे फूटे शोपीस घर में कभी नहीं रखने चाहिए। जी हाँ, अगर भगवान की कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो आप उसे नदी में प्रवाहित कर दे, लेकिन घर में ना रखे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।